नमस्कार, देखेंगे आज की बड़ी खबरें, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं साहिल, यू आर वेलकम इन 3D मीडिया। दिल्ली मास्टर प्लान 2041। दिल्ली में जल संकट को देखते हुए प्रति व्यक्ति पानी की कंजम्पशन को कम करने का प्लान बनाया जा रहा है। मुंबई में भारी बारिश के कारण इमारत गिरी, 11 लोगों की मौत और 18 घायल। जेल में स्पेशल डाइट चाहते थे पहलवान सुशील कुमार, कोर्ट ने उनकी अर्जी की खारिज। सोने में उतार चढ़ाव जारी, चांदी में भी आई गिरावट। तेलंगाना सरकार ने रद्द की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं। 2-3 दिन में भारत लाया जा सकता है मेहुल चोकसी। लाइव कैमरे में रिकॉर्ड हुई रोहतक के बॉक्सिंग खिलाड़ी की हत्या, वजह जानकर पुलिस भी हैरान। प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन गुरुग्राम हैव बीन अलाउड टू रीस्टार्ट ओपीडी। यूपी राजनीति में कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद। रिपोर्टर रवीश कुमार सेड सॉरी पीएम, द ऑक्सीजन क्राइसिस वॉज नॉट इनकंसीवेबल। कांग्रेस के संकटपूर्ण दौर से बिखर रहे हैं उनके युवा पीढ़ी के चेहरे। किसानों को केंद्र सरकार का तोहफा, खरीफ की फसलों पर बढ़ाई 50% MSP। बंगाल के महान कवि और फिल्म मेकर बुद्धदेव दास गुप्ता का 77 साल की उम्र में हुआ निधन। चाइनीज कंपनी से निपटने के लिए अमेरिका ने बनाया 18 लाख करोड़ रुपए का प्लान। जगन्नाथ टेंपल इन UK ओपन इट्स डोर टू ऑल डिवोटीज। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने चीन के ऐप्स पर लगा प्रतिबंध हटाया। आज से शुरू होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का दूसरा टेस्ट मैच। डिफेंडिंग चैंपियन ईगा श्यानतेक बाहर हुई फ्रेंच ओपन से। जूही चावला ने कहा 5G के खिलाफ नहीं, लेकिन शोर में दब गई जरूरी बात। सोनू सूद जो पहले सिर्फ बॉलीवुड अभिनेता थे, लेकिन अब उनकी पहचान गरीबों के मसीहा के रूप में भी की जाती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बुलेटिन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि सारी खबरें आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। साहिल दिस साइड, टेक केयर, गुड बाय।